राम राम साथियों, आप देख सकते हैं भयंकर जाड्डा पड़ रहा है, जिसे बूढ़े बढ़ेरे कहते थे सुक्का जाड्डा। इससे देखो चप्पल कद्दू का क्या हाल हो गया। मैं आपको नजदीक से दिखाना चाहूंगा, ये चप्पल कद्दू बिल्कुल काली होकर सारी जल चुकी है। ये 3 दिन हो चुके हैं सुक्का जाड्डा पड़ते हुए, और इससे मिर्च टमाटर चप्पल कद्दू और सरसों में भयंकर तबाही मची हुई है, भयंकर नुकसान हो चुका है। जमींदार बेचारा क्या करे तो क्या करे, आप देख सकते हो कितना नुकसान हो चुका है। एक जमींदार के कम से कम 5-5 लाख का नुकसान हो चुका है। सर्दी से बचाने के लिए मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इसके अंदर आप जितना सके पानी की सुरवाई रखें, पानी देते रहें, इससे सर्दी का प्रकोप कुछ कम हो सकता है और जमींदार को कुछ फायदा हो सकता है। इसलिए आलू टमाटर मिर्च इनमें अंदर आप चप्पल कद्दू के अंदर जितना पानी की सुरवाई रखोगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदा है और सर्दी से बचाव हो सकता है। नहीं तो जमींदार के लिए ये सूखी सर्दी भयंकर खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अपनी फसलों में टाइम टू टाइम पानी देते रहें। अभी 2 दिन और सर्दी पड़ सकती है, इसके लिए ध्यान रखते हुए आप लोग सल्फर का स्प्रे मारें, और जिसके पास कोई पानी की सुविधा नहीं है किसान के पास, तो रात को अपने खेत के चारों तरफ आग जला के धुआं कर सकता है, उससे भी कुछ हद तक जाड्डे का प्रकोप कम हो सकता है। धन्यवाद साथियों।